दोस्तों चीटिंग एंड फोर्जरी जैसे अपराधों में जिसमें कि धोखाधड़ी किसी के साथ हो जाए, जालसाजी हो जाती है किसी के साथ, या फिर कोई कर रहा है किसी के साथ धोखाधड़ी या जालसाजी, ऐसे जो अपराध होते हैं, हालांकि देखा जाए इनमें जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक का है, मतलब कि ताउम्र, मतलब उम्र कैद तक का प्रावधान है ऐसे मामलों में। बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए आपके साथ कोई अगर धोखाधड़ी होती है तो उन मामलों में पुलिस अक्सर सिर्फ और सिर्फ 400 BC में ही उस मामले को निपटा देती है, जबकि ऐसे केसेस के अंदर फॉर्जरी भी आसानी से देखा जा सकता है। अगर पुलिस ने किसी भी तरह से मिली भगत करके सिर्फ केस को हल्का बना दिया, 400 BC के आधार पर केस को तैयार कर दिया, और जबकि उसके अंदर 467, 468 जैसे और भी संगीन जो धाराएं हैं वो ऐड होनी चाहिए थी पर ऐड हुई नहीं, आप उन्हें कैसे ऐड ऑन करवाओगे? या फिर आप पर कोई भी केस लग गया है जिसके अंदर 467 या 468 जैसी संगीन धाराएं लगी हैं, कैसे आप उनको हटवाओगे? मैं आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि चीटिंग एंड फोर्जरी जैसे केसेस में कैसे आप निपटेंगे, या फिर आप अगर झूठे किसी केस में जेल चले गए हैं कैसे आप बेल लेंगे, या फिर कैसे उस केस से आपका निपटारा होगा, कैसे छुटकारा आप पाओगे, इन सब चीजों के बारे में आज बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे केसेस के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसके लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है, मान लीजिए कि पुलिस स्टेशन आप जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ एक चीटिंग हुई है, किसी व्यक्ति ने मुझसे पैसा लिया और मेरे नाम प्रॉपर्टी की या फिर सेल एग्रीमेंट किया पर बाद में प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी भी व्यक्ति ने फॉर्ज डॉक्यूमेंट करके आपकी प्रॉपर्टी हथिया ली हो, या ऐसा हो सकता है फॉर्ज डॉक्यूमेंट के साथ फर्जी अकाउंट खुलवाए गए हो और आपके साथ जालसाजी कर दी गई हो। बहुत तरह के दोस्तों मामले होते हैं अलग अलग, जैसे चेक बाउंसिंग का मामला होता है, किसी भी तरह चीटिंग करके आपको एक फर्जी चेक दे दिया गया या फिर चेक दे दिया गया, आजकल तो क्लोन चेक के मामले भी सामने आते हैं। इन सभी मामलों में अगर नॉर्मल रूप से देखा जाए तो चीटिंग और फॉर्जरी की जो धाराएं होती हैं जैसे कि 400 BC, 467, 468, 471, 120B जैसी जो धाराएं हैं इनके तहत मामला दर्ज होता है। ऐसे मामलों को कैसे आप निपटोगे? दोस्तों निपटने से पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए कि आप कंप्लेनेंट हैं, आप गए पुलिस स्टेशन में, आपने एक कंप्लेंट दी कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, फॉर्जरी भी हुई है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी, क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी, इसीलिए जब आपका मुकदमा दर्ज हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ 400 BC का बनाकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और 400 BC की FIR एक लॉन्च कर दी गई, पर 400 BC में सीधे तरीके से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाता है, वहां पर एक 41A का नोटिस दिया जाता है, वहीं से उस व्यक्ति के निकलने के बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं। आपको इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा हुआ जिसके अंदर की 467 या 468 नहीं लगनी चाहिए थी पर लग गई, तो ऐसे मामलों में आपको क्वेश्चनिंग के लिए जाना चाहिए, आपको FIR को क्वेश्चन कराने की बात जरूर करनी चाहिए, अपने वकील साहब का सहारा उसमें लेना चाहिए। अगर आप क्वेश्चनिंग के लिए जाओगे और FIR अगर क्वेश्चन हो जाती है तो मान लीजिए कि आपका केस ही खत्म हो गया, केस वो चलेगा ही नहीं। 482 CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का जो एक्ट है वो बोलता है कि जिसके अंदर की इनहेरेंट पावर्स है हाई कोर्ट को जो आपकी FIR को क्वेश्चन कर सकते हैं अगर ऐसा कोई मामला बनता है। जो मामला नहीं बनना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सीधा क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए, ना कि पहले बेल लेनी चाहिए, ना कि पहले आपको एंटीसिपेटरी बेल लगानी चाहिए। गलतियां आप अक्सर कर देते हैं और अगर आपने मान लीजिए गलती कर भी दी, आप एंटीसिपेटरी बेल लगा भी रहे हो, बेल आपकी खारिज हो गई है, हालांकि पहले ही अगर आप अच्छे से अपनी जिरह करते हो, आपके वकील साहब अच्छे से आपके केस को प्रेजेंट करते हैं, तो मेरा मानना है वहीं बेल भी आपको मिलेगी और साथ ही 482 में जाने के लिए आपके रास्ते आसानी से खुल जाएंगे। अब ये क्या बोलता है चीटिंग एंड फोर्जरी के जो प्रावधान है, क्या बोलता है ये पूरा एक्ट और किस तरह से केस चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप समझिए 120B को। 120B क्या बोलता है? पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब कि षड्यंत्र किसी भी तरह से आपने किया जिसके अंदर की दो या दो से ज्यादा लोग थे, षड्यंत्र करके किसी को भी आपने ठगा
वहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए या किसी भी तरह फर्जी कमिटमेंट्स किए या फिर ऑनलाइन फ्रॉड हुआ या फिर ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन किसी भी तरह की जो आईडीज होती है छेड़छाड़ की तो वह 468 लग जाता है। डॉक्यूमेंट आपने कोई भी दिए फर्जी बनाकर या उसमें एडिटिंग करके दिया तो 467 लग जाता है। पर 120 बी भी कम खतरनाक दोस्तों नहीं होता है। इसमें अगर आप पढ़ते हो तो जो एक्ट की लैंग्वेज बोलती है वो लैंग्वेज बोलती है कि इसमें पनिशेबल विथ डेथ तक का प्रावधान है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक का प्रावधान है, उम्र कैद भी हो सकती है इसके अंदर, इसमें 2 साल का भी हो सकती है सजा या फिर उसको अपग्रेड करके फाइन भी ले जा सकता है। ऐसे कई सारे प्रावधान इसमें देखने को आपको मिलते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो भी बात थी कि हमने 120 बी को आपको बताया। अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा जब भी कभी चीटिंग या फॉर्जरी जैसे मामले आपके सामने आते हैं। 420 को आप समझ लीजिए, आपने सुना होगा नॉर्मल जो लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही 420 है। हालांकि मैंने 420 ही पर और 417 क्या बोलता है दोनों ही चीटिंग को आपको बताते हैं पनिशमेंट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारी उस वीडियो को आप देखेंगे आसानी से समझ जाओगे। क्या बोलता है 420? चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी तरह से आपने किसी को इंड्यूस करके, बहला फुसला कर आपने किसी व्यक्ति को, आपने चीटिंग करके कोई भी चीज डिसऑनेस्टली आपने किसी से ले ली, उसको बेवकूफ बना के कोई चीज आपने ले ली, वो चीटिंग में आता है। अब चीटिंग में क्या बोलता है, इंप्रिजनमेंट क्या है इसके अंदर, तो देखोगे तो जो एक्सटेंड करके जो टर्म होती है इसकी 420 की, जो पनिशमेंट आपको मिलेगी वो होती है 7 साल तक की। 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और फाइन भी आप पर लगाया जा सकता है 420 के लिए। अगर कोई भी आपकी FIR कटी है आपके अगेंस्ट तो उसके अंदर सीधी तरीके से पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, पहले आपको नोटिस सर्व करेगी। नोटिस में जाकर इन्वेस्टिगेशन आप ज्वाइन करोगे, उसके बाद तय होता है आपको अरेस्ट करने की जरूरत है या नहीं। और अगर आपके ऊपर कोई ऐसा केस हुआ है तो मेरा मानना दोस्तों ये है, किसी भी वकील साहब की एडवाइस जरूर लें, एडवाइस लें, उनकी सहायता लें, उनकी मदद लें आप, और तभी इस केस को आगे प्रोसीड करें। ऐसा ना हो कि आप पुलिस स्टेशन जाए और किसी भी तरह से गलत एक्ट करके पुलिस वाले आपको अरेस्ट कर लें। आपके साथ एक अच्छे वकील साहब का होना जरूरी है, बेटर है कि उनकी आप गाइडेंस ले लें, ताकि, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी समझदारी में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो जो नहीं होनी चाहिए थी और बाद में आपको पछताना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या बोलता है 466 कि 466 भी कई बार देखा गया है और 468 भी देखा गया है, बट मेजरली जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है 467। 467 क्या बोलता है दोस्तों, 467 फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल ETC। मतलब कि विल में आपने किसी तरह फॉर्जरी कर दी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटीज या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि मार्कशीट्स, अक्सर आप देखते हो कि लोग फर्जी मार्कशीट बना लेते हैं, फर्जी प्रॉपर्टी के पेपर लोग बना लेते हैं, या किसी भी तरह से फर्जी अकाउंट खुलवाया, आधार कार्ड में चेंजेस कर दिए आपने, पैन कार्ड में कुछ चेंजेस कर दिया आपने, फर्जी अकाउंट खुलवा लिया, ये सब मामलों के अंदर 467 लगता है जब पेपरों में आप छेड़छाड़ करते हैं। और जिसके अंदर अगर आप पनिशमेंट की बात करें जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक हो सकता है, उम्र कैद तक का प्रावधान है इस सेक्शन के अंदर, तो बेहतर है थोड़ा दूर रहें। चीटिंग फॉर्जरी के मामले बड़े संगीन होते हैं, जल्दी से आपको बेल नहीं मिलती और बेल लेने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती है। 420 के साथ 409 लग जाता है जब EOW के मामले आते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग की मैं आपको बात कर रहा हूं, हालांकि उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, उस पर डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर अगले कुछ वीडियो में सजेशंस चाहते हैं तो बताएंगे तो हम उस पर भी वीडियो लेकर आ जाएंगे। अब दोस्तों अक्सर आप देखते हो कि 467 के साथ में 468 भी लगा होता है, 468 जो बोलता है फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, मतलब कि चीटिंग के लिए ही फॉर्जरी की गई हो, किसी को बेवकूफ बनाना है, फर्जी कागजात बना लिए, उसको दिखा दिए चीटिंग करने का ही आपका इरादा था, ये कहता है ये सेक्शन। और अगर हम इसमें इंप्रिजनमेंट की बात करें जिसको एक्सटेंड किया जाता है 7 साल तक के लिए, 7 साल तक की सजा इसके अंदर हो सकती है। अगर 68 ही लगा है 420 के साथ तो फिर भी आपके रास्ते थोड़े आसान हो सकते हैं बेल लेने में, बट जब 467 लग जाता है तो मामला थोड़ा सीरियस बन जाता है। और पुलिस अक्सर इस पूरी सीरीज को लेकर ही चलती है, आप पर हमेशा जब सेक्शंस लगाए जाते हैं सबको यूज किया जाता है। अब एक जगह और आता है सेक्शन 471, आपने अक्सर FIR में देखा होगा। अभी क्या बोलता है सेक्शन 471 यूजिंग एज जेन्युइन, मतलब कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट आपने जेन्युइन की तरह यूज किए, डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जेन्युइन की तरह अगर आपने यूज किए हैं तो इसमें भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट आपको मिलेगी कितनी, तो दोस्तों ये जो सारे सेक्शंस लगाए जाते हैं पुलिस के द्वारा जब भी कभी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, आपका मामला है, आप किसी पर ऐसे कोई सेक्शंस लगा रहे हो, चीटिंग फॉर्जरी आपके साथ हुई है,
तो दोस्तों मैं फिर आपको बोलना चाहूँगा कि जब कंप्लेंट देते हैं पुलिस स्टेशन में, बहुत सोच समझ के अच्छे से कंप्लेंट दें। ऐसा ना हो कंप्लेंट इतनी पुअर तरीके से आप ड्राफ्ट कर लें या बना लें कि कंप्लेंट देने के बाद वो अरेस्ट भी व्यक्ति ना हो और आपका पैसा, लाखों करोड़ों की संपत्ति हो सकती है, वो पैसा पूरी जिंदगी जो आपने कमाया वो कुछ ही मिनटों में कोई इंसान आपसे चीटिंग करके पूरा पैसा छीन सकता है। उसे कब्जे में गया हुआ पैसा जल्दी से मिलेगा नहीं, और आप सोचो कि केस चलेगा, एक बार किसी की बेल हो गई तो केस लंबा चलेगा दोस्तों, 5 साल 10 साल चल सकता है, और अगर किसी में कन्विक्शन हो भी गया तो वो हाईकोर्ट चले जाएंगे, हाईकोर्ट से भी अगर अपील मंजूर नहीं सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, केस सालों साल चलता है। बेहतर है जब आप किसी पर केस करते हैं बड़े स्ट्रांगली उस केस को प्रेजेंट कीजिए, और आप पर कोई फेक केस अगर हो गया है जल्द से जल्द 482 सीआरपीसी में जाइए, क्वेश्चन के लिए जाइए। अगर आपके पास एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस नहीं है फिर भी आपका नाम आ गया, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है, तो भी आप जाकर अपने अगर प्रूफ्स, कुछ भी अगर प्रूफ आपके पास है आप दिखाएंगे, आसानी से बेल हो जाएगी। जैसे हम लोग चीटिंग एंड फॉर्जरी पर कई सारी वीडियोस लेकर आए हैं और आपको बहुत सारे आपके अधिकार बताए हैं। कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है चीटिंग या फॉर्जरी को लेकर, क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर को लेकर या एंटीसिपेटरी बेल को लेकर, किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है आप पूछें दोस्तों ज़रूर, क्योंकि कई बार ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं कि अगर उन रेमेडीज़ को आप पूरा कर लेते या कानूनी प्रावधान को आप फॉलो करते तो आप जेल ही नहीं जाते या फिर आपके साथ चीटिंग ही नहीं होती। आपके साथ चीटिंग हुई है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें, या आपका किसी भी तरह से किसी फर्जी केस में नाम आया है और ये सेक्शंस आप पर लगे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, हो सकता है उन सवालों का जवाब आपको सटीक तरीके से हमारी तरफ से मिल सके और उन मामलों से आप आसानी से निकल सके। किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, क्या जानकारी आप लेना चाहते हो आप जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।